एक क्रिकेटर का सबसे प्यारा गैजेट जो होता है वो बैट होता है। जैसे विराट 1170 ग्राम से खेलते हैं, रेंज मैटर नहीं करती। बॉटम हैंड प्लेयर है तो मोटे हैंडल से राउंड हैंडल से खेलेगा। फिल सॉल्ट का बैट है, इसमें देखिए कितने क्लोज ग्रेन्स हैं। हेलो एंड वेलकम। और आईपीएल का फीवर एकदम बढ़ चुका है और हमारे हाथ में आप समझ गए होंगे हम आज किस बारे में बात करना चाह रहे हैं, बैट के बारे में। हाउ टू सेलेक्ट अ राइट बैट। जी हाँ, और क्या वो जो है छोटे छोटे पॉइंट्स आपको नोट करने पड़ते हैं जब भी आप बैट सेलेक्ट करने जाएं, क्योंकि बैट में वो जान होना बहुत ज़रूरी है जो आपको लंबे लंबे छक्के चौके और जब सेंचुरी आप मारेंगे, जब बैट आप रेस करेंगे, तो क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं बैट सेलेक्ट करने के लिए, हम जानेंगे हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। शिवाज भाई हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शिवाज भाई, वेलकम टू आवर शो। और सबसे बड़ा सवाल जो ये रहता है, हाउ टू सेलेक्ट अ राइट बैट, कैसे करते हैं वो राइट बैट का सिलेक्शन? सेलेक्ट तो अपने अपने प्लेयर्स के ऊपर होता है, बट एक राइट बैट का सिलेक्शन क्या होता है कि आपको अच्छा बैलेंस चाहिए होता है जी। ठीक है, अब डिपेंड करता है प्लेयर टू प्लेयर वो कैसे बैलेंस से खेलते हैं जी। तो बस बैट में पंच अच्छा होना चाहिए जैसे, और आप बोल रहे थे अभी ग्रेन्स के लिए भी, अब हम बात कर रहे थे ना ग्रेन्स के लिए। जी 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 बिल्कुल, ग्रेन्स मैटर नहीं करती बिल्कुल। तो वही मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि जब भी आप बैट सेलेक्ट करें क्या चीज मतलब ध्यान देगी चीज जी, जी। तो आप पे डिपेंड करता है आप कैसे बैलेंस खेलते हैं, नीचे वेट चाहिए आपको और या ऊपर वेट चाहिए। ठीक है, डिपेंड करता है अच्छे बैट के लिए। अच्छे प्लेयर जो ज्यादातर यूज करते हैं वो स्पाइन उनको मोटा चाहिए होता है यहाँ पर, तो बैट का बैलेंस ऊपर चाहिए होता है। और फिर डिपेंड करता है उसके किस हैंडल से खेलता है वो, उस पर डिपेंड करता है। बट दो चीज मेन होती है, बैट का बैलेंस और बैट की पंच जी। दो चीज जो है वो मेन होती है, बैट का बैलेंस और बैट का पंच। अभी ये शो की शुरुआत हुई है, आप बने रहिए, हम और जो है जानकारी आपको देंगे। दूसरा सवाल शिवाज भाई, मैं आपसे जानना चाहूँगा, ग्रेन्स की बहुत बात करते हैं जब भी कोई बैट लेने जाता है, वो चेक करता है इसमें कितने ग्रेन्स हैं, 6 हैं 8 हैं 10 हैं 12 हैं एंड सो ऑन, और उसमें गैप कितना होना चाहिए। तो ये जो एक इन्फॉर्मेशन हम अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगे वो क्या है, ग्रेन्स के पीछे क्या लॉजिक रहता है, कितने इंपॉर्टेंट रहते हैं वो ग्रेन्स? नहीं, एज ए सेल के हिसाब से देखा तो ग्रेन्स क्या, जितना ज़्यादा ग्रेन्स होगा उतना एक्सपेंसिव बैट होगा। ठीक है, जितने कम ग्रेन्स होंगे और उतना मतलब लो रेंज बैट होगा। तो ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? ये तो जितने मतलब वो तो ग्रेडिंग के हिसाब से होता है, जो ब्रांड्स जब भी बैट सेल करते हैं शॉप्स पे तो वो उसी हिसाब से देखते हैं कि जितने जिसमें क्लियर बैट होगा, क्लीन बैट होगा, जितने ज़्यादा ग्रेन्स होंगे वो सबसे एक्सपेंसिव बैट होगा। वही दिखाने के लिए मैंने आपके लिए कुछ बैट रखे हैं। एज ए प्लेयर देखा जाए तो ग्रेन्स मैटर नहीं करते। मैं एज ए प्लेयर देखूँ मुझे बैट चाहिए तो मैं सिर्फ बैलेंस और उसका पंच देखूंगा सिर्फ। ठीक है जी। तो जैसे इसकी देखें आप क्लोज ग्रेन्स हैं, ठीक है, और ये हल्का सा सेमी राउंड टू बैट है, स्पाइन इसकी बहुत अच्छी है, एसजी का बैट है। अब आप इसका पंच देखेंगे ना वो बहुत ही सुपर पंच है। ये हमारे सब हॉल हैंडपेक सिलेक्टेड बैट्स हैं और ये देखिए आप क्लोज ग्रेन्स का बैट। अब मैं इसमें ही आपको एक कम ग्रेन्स का बैट दिखाऊंगा, इसमें ये भी सिलेक्टेड बैट है। ठीक है, 5 ग्रेन्स का बैट है लेकिन इसमें भी आप पंच देखेंगे, पंच उस वाले से कम नहीं है। तो आपको एंड ऑफ डे बॉल तो ग्राउंड के बाहर मारनी है बिल्कुल, तो सेम बैलेंस है बट ग्रेन्स कम है। प्राइस में जैसे वो 75,000 का बैट है और ये 24,000 रुपीज़ का बैट है, तो अब आप बताइए कि पंच में तो आपको कोई फर्क नहीं लग रहा। हाँ बिल्कुल, तो दोनों बैटों में बराबर है, बहुत प्यारी आ रही है दोनों के बैट से जी। अब आप डिपेंड करता है बैट का वेट, आप किस वेट से खेलते हैं। ठीक है, भारी बैट से खेलते हैं, हल्के बैट से खेलते हैं। अगर आपने अगर आप प्लेयर हैं तो आपको सिर्फ दो चीज़ पे ध्यान रखना है, आपका बैलेंस कैसा है बैट पे और पंच कैसा है। ठीक है, वही बात देखिए, क्लोज ग्रेन्स का बैट है। अब ये सूर्य कुमार यादव का बैट है, ये है केएल राहुल का बैट है। तो केएल राहुल का बैट देख लेते पहले। हाँ, KLR1, ये इसमें भी क्लोज ग्रेन्स है, स्पाइन और ये वो राउंड टू से खेलते हैं बट ये थोड़ा सा फ्लैट टू है, बट इसका भी आप पंच देखें बहुत ही अच्छा है, गजब सुपर पंच है बैट। देखिए आप क्या पंच है बैट, क्या बात है। ठीक है, तो ये केला राउंड ये भी 75,000 का बैट है। और अब ये आपको मैं दिखाता हूँ, ये इंटरनेशनल प्लेयर फिल सॉल्ट का बैट है, इसमें देखिए कितने क्लोज ग्रेन्स हैं। अब जरूरी नहीं है फिल सॉल्ट जो है कम ज़्यादा ग्रेन से ही खेलता हो, मैटर नहीं करता उसके लिए, ये वो कम ग्रेन से भी जरूरी है, उनको चाहिए सिर्फ बैट की प्रोफाइल और बैट की मार, फिर मैं आपको बताता हूँ। अब इसमें देखिए कितने क्लोज ग्रेन्स है, इसका पंच देखिए आप, 84,000 रुपीज़ का है बैट और बहुत ही सुपर इसका पंच और बैलेंस है।
जी तो बिल्कुल अब मेरे को लगता है कि आपको थोड़ा सा डाउट क्लियर हुआ होगा कि ग्रेन्स कितने इंपॉर्टेंट रखते हैं बैट में। और दूसरी बात, अब हम ग्रेन से आगे बढ़ के एक और बात करते हैं हैंडल की। बैट का हैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है शहबाज भाई, तो उसकी क्या अब लॉजिक रह गया कि कोई राउंड है कोई ओवल है तो उसमें क्या डिफरेंस होता है और वो जो निशान होते हैं उनका क्या मैटर? ये निशान का तो ऐसा कोई मैटर नहीं होता, ये रबर रबर होती है जी। जैसे जैसे हम देखने की ये जो थ्री ये जो है लेयर्स भी होती है जो आप फॉरेन में बनते हैं वो 5-6 लेयर्स की भी बनते हैं, इस लेयर से कुछ नहीं होते जी। थोड़ा सा अगर ये लूज हो जाती है थोड़ा सा आपका हैंडल फ्लेक्सिबल हो जाता है, ठीक है। बट ये भी प्लेयर पे डिपेंड करता है। आप जैसे विराट कोहली ओवल हैंडल से खेलते हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा फ्लैट होता है, जैसे वो फ्लिक आपने देखा होगा मिड विकेट उसको फ्लिक करते हैं कंट्री पे मारते हैं तो उसके क्या होता है आपका बैट घूमता नहीं है। राउंड टू से राउंड हैंडल से खेलते हैं, देखो कभी आप बैट यहाँ पे बॉल लगता है घूम जाए तो बैट घूम जाता है तो क्लियर नहीं शॉट हो जाएगा, कैच हो जाता है। तो आजकल ओवल चल रहे हैं, सब प्लेयर ज्यादा 90% ओवल यूज कर रहे हैं बिकॉज बैट घूमता नहीं है आपका लॉक हो जाता है जी। तो इसलिए लोग ओवल यूज करते हैं। और कुछ शॉर्ट प्लेयर्स होते हैं जैसे आपका सरफराज है, वो अपना हैंडल काटते हैं सुपर शॉर्ट हैंडल से खेलते हैं, ठीक है ना। तो हाइट कम है तो आपको हैंडल भी शॉर्ट चाहिए होता है क्योंकि बैट जो ऊपर वाला बॉल आता है ना तो अगर आपका बैट लंबा होगा ना तो आप ऊपर वाला बॉल ढंग से नहीं खेल पाएंगे, तो उनके बैट थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। और विराट कोहली से खेलते हैं, बाकी MS धोनी है, ठीक है, वो थोड़ा मोटे हैंडल से खेलते हैं और राउंड हैंडल से खेलते हैं जी। बिल्कुल, तो हैंडल की बात कर रहे थे शॉर्ट हैंडल की, तो हमने एक वीडियो देखा था वायरल हुआ था कुछ साल पहले जब विराट कोहली अपना जो वो है जो हैंडल है बैट का वो काट रहे थे, तो ये लॉजिक था उसके पीछे कि वो अपना क्यों बैट हैंडल जो है वो छोटा कर रहे थे। अच्छा शहबाज भाई, ये आपने हैंडल का जो हमारा जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लियर कर दिया कि राउंड और ओवल क्यों होता है। वेट भी बहुत डिपेंड करता है बैट का, तो प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है कोई किस वेट से खेलते हैं। कोई जैसे विराट है 1170 ग्राम से खेलते हैं, 70-80 ग्राम से। MS धोनी 1200 प्लस से खेलते हैं, सचिन तेंदुलकर थे पहले 1200 प्लस से खेलते हैं, सौरभ मोहम्मद अजहरुद्दीन थे वो 1100 ग्राम के बैट से खेलते हैं। तो प्लेयर टू प्लेयर डिपेंड करता है वो किस वेट से खेलते हैं। तो जो मिनिमम वेट रहता है कि वो कितना वेट होना चाहिए, 1150 टू 1170। तो ये जो आप कह रहे हो कि ये जो रेंज है ये बेस्ट है क्रिकेटर्स के लिए जो चाहते हैं कि हमको एक अच्छा क्रिकेट खेलना है और रिप्रेजेंट करना है एकेडमी प्लेयर्स, और जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी ये लाइट वेट बैट से खेले तो ज्यादा बेटर है जी। तो बिल्कुल लाइट वेट बैट आप कहेंगे बिगनर्स के लिए 40-30। बिगनर्स तो डिपेंड करता है नंबर 6 कितना साल का बच्चा है तो उस पर डिपेंड करता है आप कितने वेट से खेले। देखिए ये एक्सपर्ट का जो वो कमेंट रहता है ना हाउ टू सेलेक्ट अ बैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करता है कैसे आपको बैट सेलेक्ट करना है। एक क्वेश्चन मेरे को पता है कि व्यूअर्स भी जानना चाहते होंगे शहबाज भाई, आजकल स्पाइन में ना यहाँ पे कुछ कट से आने लगे हैं, कट से वो क्यों? एक्चुअली क्या है, ब्रांड्स का भी देखना भी, उनको सारी विलो भी अपनी सेल करनी है, ठीक है। अब आजकल क्या है वहाँ पे क्या बोलते हैं वेदर कंडीशन इतनी मतलब बैड हो गई है कि बैट्स ना भारी आ रहे हैं, काफी वेट बहुत आ रहा है बैट में, तो आप उनके पास कुछ ब्रांड्स के पास कुछ है नहीं। अब वो क्या करते हैं कि यहाँ से वेट निकालने के लिए, वो यहाँ से तो वेट निकाल नहीं सकते, इसकी वेट तो छोटी नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं यहाँ से वेट निकाल देते हैं, स्कूप बना के वेट 30-40 ग्राम कम कर देते हैं। ये तब एक स्कूप है, एक स्टाइल भी आता है बच्चों को लगता है भाई स्टाइल है, बट वो एक रीज़न है कि बैट का वेट भी निकालना है, शॉर्ट कर देते हैं बैट को, ठीक है। तो वो एक बैट को वेट में लाने के लिए किया जाता है, बट उससे नुकसान है, बैलेंस बिगड़ता है, कोई नुकसान नहीं है स्कूप मतलब अगर आपके पास है तो आप ले सकते हैं वो बैट। तो वो एक जैसे कि शहबाज भाई ने बताया कि वो एक स्टाइल है, एक तरीका है बैट का वेट कम करने का, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बैट का जो है वो कितना परफॉर्मेंस कम होता है या नहीं होता है। बॉल का भी रोल रहता है, बॉल किस बॉल से हम वो मैच खेलने जा रहे हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। खेल रहे हैं तो कुकाबुरा बॉल यूज होती है, कुकाबुरा के वो कैंगरू लेदर से बनती है, ऑस्ट्रेलिया में बनती है, और उसके जो सीम्स होते हैं बहुत अंदर होते हैं, वो तो नॉर्मल बॉल जो होती है उसके सीम बहुत उठे हुए होते हैं। बिल्कुल, तो आपने देखा होगा कैचेस भी बहुत छूटती है आईपीएल में बिकॉज वो बॉल स्लिप होता है, ठीक है ना। तो और बैट पे लग के लेकिन ट्रैवल करता है, जो इतने छक्के लगते हैं उसमें बैट का कमाल तो है, लेकिन मैं आपको बोलूंगा बॉल का भी बहुत बड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो बॉल का भी रोल रहता है। तो मेरे को लगता है कि आपके जो सारे डाउट हैं कि कैसे आप वो अच्छा बैट सेलेक्ट करें, शहबाज भाई ने आपके वो सारे आंसर दिए होंगे। आपको कुछ और भी लगता है जो आप पूछना चाहते हैं शहबाज भाई से तो हमको ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि वो कौन सा सवाल, वो कौन सा जो एक फैक्टर है जो आप ढूंढ रहे हैं बैट सेलेक्शन के लिए। हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे मज़ेदार वीडियो और भी, और बने रहेंगे शहबाज भाई के साथ। तब तक आप भी देखते रहिए हमारा चैनल, तब तक के लिए थैंक यू।